अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। आज अगर मैं यहाँ इस मंच पे हूँ तो ये सुखजिंदर जी की वजह से है, क्योंकि मेरी मुलाकात एक ही दिन पहले सुखजिंदर सिंह जी हुई और उनसे मैंने अपनी अपनी कुछ बात रखी तो उन्होंने कहा आप आइए अपने विचार रखिए, क्योंकि विचारों की क्रांति के बिना हम कहीं कुछ नहीं पा सकते। जो विचारों का बीज है जब तक वो नहीं बोएंगे तो हम उससे वृक्ष नहीं पा सकते, तो उन्हीं की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं उससे पहले पूरे भारतवर्ष को इस ज्ञान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर जो देखने को आता है कि हम इस दिवस को ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। और मैं बचपन में भी जब देखता होता था बहुत नेता, बहुत लोग कहते थे बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, बाबा साहब तो सूरज हैं, उन्होंने दलितों के लिए बहुत किया। और जब भी ये मौका आता था तो बाबा साहब की जन्म से लेकर किन हालातों में उन्होंने ये अपनी पढ़ाई की, किन हालातों से वो संसद तक पहुंचे और किन हालातों से वो संविधान के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया, यहां तक बात खत्म होने के बाद एक ही बात अंत में रहती थी कि बाबा साहब ने दलितों के लिए किया। मैंने सोचा अगर एक शख्स इतने व्यक्तित्व का मालिक है तो उसने एक ही काम ही किया, सारी उम्र एक ही काम किया, तो मेरे जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने सोचा समझा जाए उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पढ़ा जाए, फिर मैं पढ़ने लग गया। और यकीन मानिए मेरी पहली जो किताब थी जब मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ी वो थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का अलमूनल। वो पढ़ते पढ़ते आगे और उनकी लिखी और लेख भी पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं उनको पढ़ रहा था। और जब मैंने उनकी उपलब्धियों को पढ़ा और मुझे दो चीजें एक साथ हुई, एक खुशी और एक दुख। खुशी इसलिए हुई कि जिस सूरज ने पूरे भारत को रोशनी दी है उसको हमने दीपक बना दिया, जिस सूरज ने पूरे भारत को रोशनी दी उसको हमने दीपक बना के दिखाया। क्यों बार बार यही कहा जाता है कि उन्होंने केवल दलितों के लिए किया, ये बार बार प्रश्न क्यों उठता था? मेरे सवाल ये मन में उठने लगा, मैं सोचने लगा, मैं विचार करने लगा, पुनः विचार करने लगा। फिर इसके पीछे षड्यंत्र की बू नजर आई मुझे कि ये जो ब्राह्मणवादी सोच थी, ये जो मनोवादी सोच थी, उन्होंने उस सूरज को दीपक दिखाया और हमारे कुछ तथाकथित नेता बिना सोच के उन्होंने भी उस सूरज को दीपक दिखाया, उन्होंने और उपलब्धियों का कभी जिक्र होने ही नहीं दिया। और जब मैं पढ़ने लग गया मुझे यह एहसास हुआ कि भारत का निर्माण और उसमें योगदान जो है जितना बाबा साहब का है मुझे नहीं लगता पूरी सदी में किसी नेता का होगा। और जब भी आपसे कोई सवाल करता है कि बाबा साहब ने क्या किया, बस एक दलितों का उत्थान कर दिया, आरक्षण कर दिया, ये वो, आज मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा कि उन्होंने भारत के लिए क्या किया। सबसे पहले जिनको जानकारी होगी हमारे यहाँ 14 घंटे की ड्यूटी होती थी, वो चाहे गैर सरकारी या सरकारी हो, वहां 14 घंटे ड्यूटी की जाती थी, उसको 8 घंटे करने का श्रेय भी बाबा साहब को जाता है। तो बताइए क्या ये सिर्फ दलितों के लिए था? ये पूरे भारतवर्ष के लिए था। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1934 में उसकी स्थापना होती है और बाबा साहब के विचारों पर आधारित है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी उनकी किताब है, उस पर आरबीआई आधारित है। 1924 में हिल्टन यंग कमीशन के सम्मुख बाबा साहब ने अपने विचार रखे और उसी विचारों के आधार पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो क्या यह केवल दलितों के लिए था? यह पूरे भारतवर्ष के लिए था, पूरे भारतीयों के लिए था। उसके बाद हिंदू कोड बिल, जिसकी वकालत और सिफारिश केवल बाबा साहब ने की और उनका विरोध किसने किया आप सब जानते हैं। तो क्या केवल दलित महिलाओं के लिए था हिंदू कोड बिल? वो सम्मुख
महिलाओं के लिए था, पूरी भारत की महिलाओं के लिए था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे हम सर्वभौम अधिकार बोलते हैं, उसकी भी सबसे पहले जिसने पुरजोर मांग रखी वो डॉक्टर साहब थे। तो जब हम ये कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केवल और केवल दलितों के लिए हैं, तो हम बहुत छोटा कर देते हैं। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम ही उनको नहीं पूरा जान पाए, हम ही उनको पूरा नहीं पढ़ पाए। और आगे से जब भी कोई आपसे पूछे कि बाबा साहब ने क्या किया, तो बताइएगा आपके हिमाचल में भाखड़ा नंगल डैम है। और जब मैंने ये पढ़ा, मेरा अंदर से खुशी हुई। आप जब भी कभी भाखड़ा नंगल डैम जाए ना, तो गर्व से देखिएगा उस डैम को। उसको बनाने का योगदान भी हमारे बाबा साहब ही का है। दामोदर वैली, हीराकुंड जो सबसे लंबा बांध माना जाता है, उसमें भी योगदान बाबा साहब का है। तो क्या हम कह सकते हैं सिर्फ दलितों के लिए? नहीं, दरअसल ये षड्यंत्र था कि बाबा साहब की मुख्य उपलब्धियों को छोटा कर दिया जाए। और इसकी वजह से यह हुआ कि जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वो नफरत की दृष्टि से देखने लग गए उनको। और हमारे कुछ लोग वो दौर भी महान निकले, उन्होंने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो बोला उसी के पीछे पीछे लड़ते चले गए कि बस बाबा साहब ने एक ही किया, एक ही काम, आरक्षण, ये वो, बस बात खत्म कर दी। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाइए। और जरूरी नहीं है कि स्कूल, कभी कभी आप स्कूल नहीं भेज पाते हैं या कोई स्कूल नहीं जा पाता है, इससे पढ़ाई खत्म नहीं होती है। पढ़ाई के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए, पढ़ने का इरादा होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। और जिस दिन आपने अपने बच्चों को मंदिर से उठा के पुस्तकालय की तरफ ले गए, आपको कोई नहीं रोकेगा। शासक भी आप ही होंगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला इस बात में। इसलिए अपने बच्चों को सवाल करना सिखाइए। हम डरते हैं, हम बच्चों को सवाल से डरते हैं, ना उनको सवाल करना सिखाते हैं, ना खुद सवाल करते हैं। उनको जितना हो सके सवाल करना सिखाइए, हर बात पे, हर पूरी कल्पनाओं पे सवाल करना सिखाइए। अगर हमारे बच्चे सवाल नहीं करेंगे, वो गूंगे हो जाएंगे, और गूंगों की आवाज नहीं होती। और अंत में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, अंत में मैं अपनी लिखी पंक्तियां से अपनी बात समाप्त करता हूं। और वो पंक्तियों का जो शीर्षक है वो है सवाल करो। धर्म ग्रंथ, भक्ति, श्रद्धा कहती है सवाल मत करो। सरकार, नीतियां, फरमान कहते हैं सवाल मत करो। बाबा, धर्मात्मा, योगी कहते हैं सवाल मत करो। अरदास, प्रार्थना कहती है सवाल मत करो। मैं तुमसे कहता हूं हर लिहाज से सवाल करो। सवाल किया था बुद्ध ने झूठी कोरी कल्पनाओं पे, सवाल किया था बुद्ध ने झूठी कोरी कल्पनाओं पे, सवाल किया था कबीर रैदास ने जात पात पे, सवाल किया था फूले परियार ने झूठे आडंबरों पर, सवाल किया था बाबा साहब ने झूठे आडंबरों पर, रूढ़ीवादी सोच पर, सवाल किया था उधम सिंह, भगत सिंह ने गुलामी पर। हर लिहाज से, हर अंदाज से सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। धन्यवाद। सारे ही साथियों जय भीम, जय पार्थ। सो अज देश चेतना समागम और नॉलेज डे दी मेरे वालों आप सब नू बहुत बहुत बधाई। बोलना तो नहीं सी चाहता, पर फिर भी इतने जो गल्ला हुईयां उहदे विचों ही मैनू कुछ गल्ला मेरे दिमाग च आईयां, जो कि मैं चाहता सी कि उह तुहाडे नाल मैं शेयर करा। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਰਤਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦਾ ਆਲ ਲੋਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
उदो साडा की हाल सी, साडी कोल पोलीटिकल पावर आई ते साडा असी राजे बने, जो साडे कोल पोलीटिकल पावर गई साडे बने हुए अधिकार जिहड़े कि बने 5000 साल बाद तो मिले सीगे वह सिर्फ 70 सालां विच ही इन्हां नूं चुभन लगे, ते 70 सालां विच ही इन्हां ने साडे जो SC ST एक्ट सी उन्हां नूं खोण की कोशिश की गई, खो भी लिया। बहुत ही शर्म वाली गल है कि साडे लोकां नूं जदों असीं SC ST एक्ट बारे पुछिया तो वह कहन लगे कि साडियां फीसां नहीं माफ होणियां, साडे बिल नहीं माफ होने, सानू यह कुछ नहीं मिलना। कितनी शर्मिंदगी वाली गल है कि सानू अज तक SC ST एक्ट के बारे नहीं पता। झंडे जरूर असी चके, डंडे जरूर असी चके, पर असी मानसिक तौर पर तैयार नहीं हाँ। असी बार हर बार नारा लाने बाबा साहब तेरी सोच से पहरा देंगे ठोक के, एक बार मेरे नाल जवाब दो, बाबा साहब तेरी सोच से जय भारत। हुण जिहड़े साथी इस नारे का जवाब दे रहे हैं वो अपने आप नाल सवाल करन कि उन्हां नूं बाबा साहब की असल सोच का पता। जय भीम, जय भारत, जय अंबेडकर। जिहड़े साथी बार बार इस नारे का जवाब देंदे आ बाबा साहब तेरी सोच से पहरा देंगे ठोक के, कि उन्हां साथियों नूं बाबा साहब अंबेडकर की सोच का पता नहीं? पता। असी इतने भी बार बार खंडन बार बार करते हैं भी अंधविश्वास नहीं पैना, अडंबर च नहीं पैना, पर कि असी उच्चों निकले नहीं निकले। किसी भी बंदे दे घर जाके देख लियो वेलकम दे मोहरे की लिखा होएगा, बड़ी शर्म वाली गल है साडे वास्ते। असी मानसिक तौर पर तैयार नहीं हुए, जो इतने कोरियोग्राफी हुई मेरी फोटो रख के कड़ा वंडी जाते हो, कभी टाइम लगे तो फ्री हो गए सोचना कि वह कोरियोग्राफी के जो शब्द कहे गए वो किन्ने साडे ते टोकदे आ। असी दूजिया बोलते हाँ कि ये बाबे ते जा रहे हैं, माता ते जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, पर वह जा क्यों रहे हैं कभी वो बारे सोचा? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैनू मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता, वो गल 70 साल पहला भी लागू सी, वह गल अज भी लागू आ। मैं कोई हवा च गल्ला नहीं करना, मैं 4 साल सैशन कोर्ट में प्राइवेट एडवोकेट नाल काम किया, उत्थे मैं देखिया कि पढ़िया लिखिया वर्ग किदा मेरे समाज का शोषण करता। सानू सैशन कोर्ट के उत्थे जिहड़ी साडी बार एडवोकेट सी बार बनी आ उत्थे बाबा साहब की फोटो लगवाउण लई भी सानू मेहनत करनी पई, साडे अपना प्रेजिडेंट होके भी असी बाबा साहब की फोटो नहीं सी लगवा सकते। कि यह साडी जागृति की फायदा इदां दे प्रोग्राम करन दा जेकर असी साल बाद ही बाजे ढोलकियां चकने आ? इहो काम तां असी 1952 तों वी कर रहे हैं जो तो गुरुदास जी की शोभा यात्रा कढ़नी शुरू हुई। दोस्तों इस तरह गल नहीं बननी, तुहाडे ही चुने हुए नुमाइंदे तुहाडे नाल धोखा करदे आ, पर वोटां वेले तुसीं वोटां भी उन्हां नूं पाउंदे आ, कित्थे तुहाडी सोच चल जाती है? वोट वैल्यू ऑफ टोटल एजुकेशन, कि कभी असी इहदा विश्लेषण करके देखिया? मतदान कहा गया, ताड़ी बुद्धि का ज्ञान कहा गया, सानू पता साडियां फीसां लई साडे नाल धक्के हुंदे कॉलेजां विच, साडे नाल स्कूलों च धक्के हुंदे आ, उत्थे साडे नाल कौन खड़दा? साडी थाणे सुनवाई नहीं हुंदी उत्थे साडे नाल कौन खड़दा? पर वोटां वेले साडे उह करे आउंदे आ, साडे अगे हथ जोड़दे आ, असीं उहनां नूं वोट नहीं पाउंदे। असीं इह कहिंदे आ असीं 4 मैंबर आ, तूं वोट उहनूं पा दे, तूं वोट उहनूं पा दे, तूं वोट उहनूं पा दे। असीं वोटां दा व्यापार करदे आ, लख लाण तां साडे ते, किहो जिहे जोधे आ असीं? सो बहुत इहो जिहियां गल्लां आ साथीओ, नारियां नाल गल नहीं बननी। 2019 नूं अपने दिमाग च रख लो, ये जिहड़ी स्टेज इत्थे लगी आ ये कल्ली स्टेज नहीं, ये पूरा मिशन है। आ जो इत्थे बनाई हुई फ्लैक्स जां जो ये कलाकृति बनाई हुई आ ये कोई इट्टां दा जां कोई पट्ठा नहीं है, ये एक तुहाडी वीरता की निशानी है। वो जो सैडां ते खड़े आ वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं सी, वो कोई जादूगर नहीं सी, वो तुहाडे विचों ही पैदा होया, तुहाडे वर्गा ही सी। उस बंदे ने अपने 4 बच्चे मरवाए, उस बंदे ने कसम खाधी मैं बच्चे नहीं पैदा करांगा, ये समाज ही मेरा परिवार है। पर इस समाज ने उसके नाल की किया? किन्यां नूं उस बंदे का नाम पता?
गल्लां तां असीं करदे आ, मिशन दी असीं गल करदे आ, गड्डियां दे लिखा लिया, जय भीम जय भारत करवा लिया, पर कदी अपने आप नाल सोचियो कि असीं सच्ची जय भीम वाले होए आ नहीं होए। भीम जय भीम जय भीम, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंच संचालन कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र जी का, मैं सब तो पिछे खड़ा सेगा, मेरा उपर आने का कोई सोच विचार नहीं सी मेरी, पर साढ़े डॉक्टर साहब कहते होंगे ना कि बड़े मासूम ने साजन, शरारत कर ही जाते हैं। सो कहना यही चाहना हाँ कि साढ़े ताढ़े मंच के सजे पासे ताड़ा इतिहास पिया आ और ताड़े खब्बे पासे ताड़ा भविख पिया आ। वो इतिहास साढ़े बजुर्गों ने जिल्लत की जिंदगी जीन नालों इज्जत की मौत बेहतर समझी, ये वही इतिहास है। और साढ़े रहबर साढ़ा भविख ये संविधान के लिख गए हैं। सो ये सारा कुछ ताड़े सिर पर है कि तुसी जिल्लत की जिंदगी जीनी है कि या फिर जेड़ी जिंदगी बेहतर जिंदगी अच्छी जिंदगी बाबा साहब साडे लई लिख के चले गए संविधान के अंदर वो जीनी है। मैं इतने आना नहीं चाहता सी क्योंकि सीधे तौर पर मैं एक पार्टी के नाल पोलीटिकल पार्टी के नाल जुड़िया हुआ और ये मंच जिहड़ा है गैर राजनीतिक है, पर मैं तुहानू पूरा विश्वास दवाना है कि जिस पार्टी के नाल मैं जुड़िया हुआ हाँ वो पार्टी दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और महीने के 31 दिन ताडे हक की लड़ाई लड़ रही है, ताडी ताडे ते होण वाले तशद्दुद की लड़ाई लड़ रही है ताकि ताडे ते कोई अख चक के ना देख सके, और बड़ी ईमानदारी दे नाल उह ताडे लई काम कर रहे ने। साडे राष्ट्रीय नेता इस देश की सर्वोच्च पंचायत जिहड़ी है जिथे जाके लोकी अपने अपने कौमां की गल करदे आ, साडे राष्ट्रीय नेता नूं उस पंचायत दे विच बोलण दा मौका नहीं दिता गया और उन्होंने इस गल तो आड़ के अस्तीफा दे दिता कि जे असी इत्थे भी आके अपने कौम की गल नहीं कर सकते तो सानू इत्थे रहना भी पसंद नहीं हैगा, उन्होंने अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता। और एक छोटी जी होर मिसाल दे दवां कि अज साडे रहबर दा जन्मदिन है और अज सारे मनुवादी लोग उस चौंक दे विच पहुंचे सीगे जिथे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, बड़िया आसा उम्मीदा ना कि असी जाके फुल अर्पित करावांगे, तो चलो ये भी जड़ी फॉर्मैलिटी पूरी कर आवांगे, पर बड़े माण नाल दसना चाहुंदा आ कि मेरी पार्टी अपने झंडे लैके उत्थे खड़ी सीगी और किसी भी मनुवादी नूं बाबा साहब की मूर्ति तक पहुंचण नहीं दिता गया, उन्हां नूं राह दे विचों ही तोड़ दिता गया। अपने अपने हकों के प्रति जागरूक रहो, अपनी कौम के प्रति जागरूक रहो और 2019 के लिए तैयार रहो। ताडे हक सच की लड़ाई लड़न वाली सिर्फ इको एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना, तुहानू पता ही है। सो सारिया संस्थावां का बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पर साडा पुलिस प्रशासन बड़ी देर तो इत्थे बैठा, उन्हां दा बड़ा धन्यवाद, क्रांति टीवी का धन्यवाद, साडी सारी टीम का धन्यवाद जिन्होंने एडा वड्डा उपराला किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम जय भारत। सारी टीम नूं कहूंगा कि वह इत्थे एकत्रित हो के क्रांति टीवी तो जो साथी सुरेंद्र बब्बू जी आए आ उन्हां सन्मान करनगे, बाजार तो वह भी सन्मान करन वाले साथियों के विच शामिल आ, असीं उन्हां नूं सन्मानित नहीं कर रहे, उन्हां को सन्मान करवा रहे हैं।